point of center. 7. So welcome in our new session of essays. Here is our chapter 11 in our textbook. So today we are start our chapter 11, component of environment and interrelationship. हम इसमें एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. अर्थ एक अकेला प्लैनेट है सोलर सिस्टम का डैट हैज़ रिसीव द गिफ्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. जो कि रिसीव करता है गिफ्ट किसका, नेचुरल एनवायरनमेंट का. इफ़ एनवायरनमेंट हैड नॉट बीन देयर, अगर एनवायरनमेंट ना हो, वी विल नॉट हैव एग्जिस्टेड, हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ह्यूमन लाइफ इज थ्राइविंग बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट. जो ह्यूमन लाइफ है वो किस वजह सर्वाइव कर पाती है, एनवायरनमेंट की वजह से. एनवायरनमेंट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ सर्वाइवल. जो एनवायरनमेंट है वो ड्राइविंग फोर्स है सर्वाइवल का, डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का. द वर्ल्ड एनवायरनमेंट मीन सराउंडिंग कवर. जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट है वो चारों तरफ से सराउंडिंग कवर मीन्स हमें चारों तरफ से कवर किया हुआ है. द एनवायरनमेंट इज द कवर ऑफ नेचुरल कॉम्पोनेंट अराउंड द अर्थ. एनवायरनमेंट क्या है, नेचुरल कॉम्पोनेंट है जो अर्थ के चारों तरफ कवर्ड है. द एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोसफेयर एंड बायोस्फेयर. यानी ये इसमें इसके कितने कॉम्पोनेंट है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोसफेयर एंड बायोस्फेयर. तो कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ फोर मेन कॉम्पोनेंट. दीज फोर कॉम्पोनेंट इंक्लूड लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोसफेयर एंड बायोस्फेयर. यानी इनको इनके चार मेन कॉम्पोनेंट है. वी हैव स्टडीड अबाउट दीज फोर कॉम्पोनेंट इन स्टैंडर्ड 6. लेट अस ब्रीफली अंडरस्टैंड अबाउट इट. यानी इनके बारे में आपने पहले स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी आपको इन सबके बारे में ब्रीफली बताते हैं. तो लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट ऑफ हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ. यानी जो हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, ये वो है. इट्स कम्पोज ऑफ रॉक्स. ये क्या है, रॉक. इसमें क्या क्या है, रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल. और ये कवर्ड किससे है, थिन लेयर ऑफ सॉइल से. लिथोस्फेयर हैज़ मल्टीपल यूटिलिटी लाइक इट प्रोवाइड्स लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. लिथोस्फेयर क्या होता है, मल्टीपल यूटिलिटी की तरह की, जैसे कि प्रोवाइड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. जैसे कि लोगों के रहने के लिए, एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज के लिए. इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, ये सब किस में इंक्लूडेड है, लिथोस्फेयर में, यानी लैंड. ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रो जैसे कि नेम से पता चलता है, वाटर. तो द लो लाइंग एरिया ऑफ अर्थ सर्फेस इज सराउंडेड बाई वाटर. जो लो लाइंग एरिया है अर्थ सर्फेस का, सराउंड किससे, वाटर से. इट इज़ नॉन एज हाइड्रोस्फेयर. इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर. इट इज़ कम्प्राइज ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ वाटर लाइक ओशन, सीज, लेक्स, रिवर एक्सेट्रा. यानी इसमें काफ़ी सारे सोर्सेज ऑफ वाटर के, जिसमें कि ओशन, सीज, लेक, रिवर एक्सेट्रा. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है. ओशंस आर ऑल्सो रिच इन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज. जो ओशंस हैं वो भी काफ़ी ओशंस भी रिच हैं, मतलब इससे भी हमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं. नंबर थर्ड इज द एटमोसफेयर. एटमोसफेयर क्या है, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो. तो एटमोसफेयर इज द लेयर ऑफ एयर. ये लेयर है एयर की दैट सराउंडेड द अर्थ. जो अर्थ को सराउंड करके रख, जो अर्थ के चारों तरफ है. एटमोसफेयर इज मेड अप ऑफ वेरियस गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, एल्की एक्सेट्रा. इट प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ एन अर्थ बाय अब्जॉर्बिंग सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे. तो ये प्रोटेक्ट किसे करती है, अर्थ को प्रोटेक्ट करती है अब्जॉर्बिंग सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे. यानी एटमॉस्फेयर में जो इसकी लेयर है वो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है. वी कैन हियर साउंड थ्रू एटमॉस्फेयर. हम जो सुनते हैं साउंड वो भी एटमॉस्फेयर की वजह से सुनते हैं. ये गैसेस या ये ही हम साउंड को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाती है. वी आर थैंकफुल टू एटमोसफेयर. हमें एटमोसफेयर का थैंकफुल होना चाहिए फॉर मेकिंग अस एबल टू हियर साउंड थ्रू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग लाइक रेडियो, टेलीविजन एंड मोबाइल फोन. नाउ बायोस्फेयर. टू द पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोसफेयर वेयर लाइफ इज पैराइज इज कॉल्ड बायोस्फेयर. इट इंक्लूड फ्लोरा, फ्योना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स, ऑब्टेन फूड एंड अदर नेसेसिटीज फ्रॉम बायोस्फेयर. बायोस्फेयर में आती है लाइफ, यानी हम लोग, यानी कि फ्लोरा, फ्योना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग, एवरीथिंग इज कम इन अ बायोस्फेयर. ओके, और बायोस्फेयर के लिए जो लिविंग बींग्स हैं उनके लिए फूड एंड अदर नेसेसिटी भी बायोस्फेयर से मिलती है. तो दे आर मेन टाइप, टू मेन टाइप ऑफ एनवायरमेंट. इसके अलावा टू मेन टाइप ऑफ एनवायरमेंट है, नेचुरल एनवायरमेंट एंड मेड मैन, मेन मैड एनवायरमेंट. तो नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूड
biologically, yani biotic component like flora, fauna of and human being. Inorganic, yani abiotic component are like land, water, air, etc. Man-made environment is created by human interacted by interacting with biotic and abiotic component. ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में सब लिविंग थिंग आती है एंड अबायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. तो इस तरीके से ह्यूमन भी है वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद बायोटिक एंड अबायोटिक, यानी हम लोग जो है इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते ही हैं. लाइक मैन मेड एनवायरमेंट क्या होता है, मैन इंटरेक्ट विद सराउंडिंग एनवायरमेंट. हम लोगों के ऊपर जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है उसका इफेक्ट पड़ता है. ही मेक चेंजेस इन अकॉर्डिंग टू हिज नीड, हम उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. एंशियंट टाइम, पुराने टाइम में मैन लिव्ड अ नॉमेडिक लाइफ, लोग कैसी लाइफ जीते थे, नॉमेडिक यानी घूमने फिरने वाली. एंड अडेप्टेड द एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज ऑन नीड, और एनवायरमेंट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग मतलब जैसा हमें पसंद आता था उस जगह हम रहते थे, लाइक रिवर के पास या फिर माउंटेन में या ड्राई एरिया में. हिज लाइफ वॉज वेरी सिंपल एंड हिज नीड वेरी लिमिटेड. उस टाइम लाइफ का भी सिंपल थी और चीज़ें और जरूरत भी लिमिटेड थी. सो ऑल इज नीड वेयर मेड फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, इसीलिए वो सब चीज़ें जो भी उसको अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से मिल जाया करती थी. एज अ टाइम पास, टाइम चेंज हुआ, चेंज एफर्ट एंड नीड ऑल्सो इंक्रीज, जो चेंजेस आए और नीड बढ़ने लगी, मैन लर्न हाउ टू यूज एंड चेंज द एनवायरनमेंट, लोगों ने सीखा किस तरीके से वो एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीज, जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. एनिमल हस्बेंड्री यानी कि लोग जानवरों को पालना और इन्वेंशन ऑफ व्हील की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. दिस मैनमेड एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नॉन एज कल्चरल एनवायरनमेंट, इस मैनमेड एनवायरनमेंट को हम कल्चरल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं. ओके, सो यू हैव टू रीड अगैन, सो वी विल मेट अगैन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू वेरी मच.